वाह जी वाह, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए बैठ के अपन तसल्ली से थोड़ा सा देखते हैं। ये है रत्न पिटारा, क्या बात है, अद्भुत। श्री रत्नकरण श्राव का आचार, अद्भुत ग्रंथ है, गजब। ये क्या पेंटिंग है? सिरेमिक, सिरेमिक कलर है, सिरेमिक कर रहे हैं। कौन वर्क है? रत्नकरण श्राव का आचार, व्यसन मुक्त जीवन शैली अभियान। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हमारी टीम भी पूरी आ गई। हाँ। बहुत बढ़िया, देखो बेटा कितना अच्छा ग्रंथ बनाया है। किसने? हैं? किसने? आपने बनाया? नहीं दादी ने, आंटी ने बनाया, अंकल ने बनाया। अंकल ने नहीं बनाया। आंटी ने बनाया, उन्हें अनुमोदना की। वाह, वाह, ये में कहां कहां सेंटर से? अच्छा, जहां जहां अपनी एक्टिविटी चल रही है। ओके, बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। ये उनके फोन नंबर से। वाह भैया, प्रमाणिकता बनी रहेगी पूरा। सतपथ के उद्देश्य, ये आपकी प्रतियोगिता। अच्छा, प्रतियोगिता, होमवर्क बुक, ये और ये अनुक्रमणिका है, यानी पेज नंबर से आपको क्या, अच्छा, क्या मिलेगा था। वाह भैया, जो जो अधिकार है उसके पेज नंबर, बहुत बढ़िया, ये आप खोल सकते हो। अरे क्या बात है, ये वो लिपि है प्राकृत? नहीं, ये शायद ये ब्राह्मी है। नहीं, ये प्राकृत है, ब्राह्मी का आगे है। ये प्राकृत है? ये प्राकृत है, ब्राह्मी का आगे है। कौन सा है? ये ब्राह्मी। ये ब्राह्मी है? वो ये लेटर फर्स्ट आता ही है हर जगह। अच्छा अच्छा, इसलिए तो ब्राह्मी लिखी में नमोकार मंत्र। समंत भद्र आचार्य का परिचय, वाह जी वाह, हमने जितनी कल्पना की थी उससे भी अधिक सुंदर और बहुत बढ़िया। पूरा ग्रंथ है? पूरा ग्रंथ है। चलिए तो आप ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? माधवी जैन। माधवी जैन लिखा है? लिखा है क्या? कहाँ? मैंने मेरा थोड़ा सा ये लिखा है, कहाँ है? मेरे इससे गलती नहीं, मिला हो गई होगी। नहीं नहीं, लास्ट में लिखा है कि पहले? नहीं पहले ही है, अनुक्रमणिका के बाद है। हाँ हाँ, इसके बाद। अच्छा ओके, माधवी आनंद जैन, बहुत बढ़िया, अद्भुत। देखिए गलती हो सकती है ना, तो इसीलिए। देखो गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन हमारे डायरेक्शन, हमारा जो प्रयास है वो बहुत सही दिशा में है, और इससे बाकी लोग भी बहुत प्रेरणा लेंगे। अभी एक ग्रंथ फल्टन से आया था, बहुत सुंदर ग्रंथ है वो, उन्होंने हाँ फैब्रिक पे बनाया, कपड़े के ऊपर पूरा लिखा हुआ है, हस्तलिखित जैसा है कपड़े के ऊपर। लेकिन ये भी इसमें आर्ट वर्क बहुत है, इसमें बहुत बहुत अनुमोदना है। और बाकी लोगों से भी निवेदन है कि आपके भी यदि ये ग्रंथ अभी तक अधूरे हों या रह गए हों या नहीं बनाए हों, तो अभी भी आप सब प्रयास कीजिए, और होमवर्क प्रतियोगिता के अंदर जो हमने ग्रंथ लेखन की प्रेरणा दी है, पूरे ग्रंथ को अपने हाथ से लिखिए। पूरा ग्रंथ यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमारे जो 21 श्लोक जो खास श्लोक हैं, उन श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ बनाइए। इससे आपका समय बहुत ही अच्छे, कहना चाहिए आचार्यों के नज़दीक बीतेगा, और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगा। आपने ये प्रयास किया, आपका बहुत बहुत आभार। जय जय।